वेलकम टू मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है ड और ढ का प्रयोग। आज के वीडियो में ड और ढ को शब्द में कैसे प्रयोग किया जाता है, उसे कैसे पढ़ा जाता है वह सीखेंगे। तो आप सबसे पहले मेरे साथ बोलिए ड और ढ, ड और ढ। आप ऐसे मूरत वाले व्यंजन पहले भी पढ़ चुके हैं, वह ड और ढ। ड से डाल, डमरू, डफली। उसी तरह से ढ से ढेर, ढाल, ढोलक। ड के नीचे हम बिंदी लगा देंगे तो ये बन गया ड, ड, ड। उसी तरह से ढ के नीचे हम बिंदी लगा देंगे तो ये बन गया ढ, ढ, ढ। ड और ढ से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, ये हमेशा शब्द के बीच में और अंत में ही लिखा जाता है। जैसे लड़का, खिलाड़ी, चढ़ाई, पढ़ाई। इन उदाहरणों में ड और ढ शब्द के बीच में और अंत में लिखे हैं। जब हम ड और ढ का उच्चारण करते हैं तब इनमें हल्की ह की आवाज़ आती है, ड, ढ। जब ड और ढ के नीचे बिंदी लग जाए तो उसे सॉफ्टली मतलब कि बिना वजन दिए हल्के से बोलना है। जब हम ड और ढ बोलते हैं तो उस पर हम जोर दे के बोलते हैं, पर ड और ढ हमें हल्के से बोलना है। जैसे लड़का, तो यहाँ हमने ड को जोर दे के बोला पर बिंदी लग जाए तो उसका उच्चारण होगा ड, लड़का, लड़का। उसी तरह से चढ़ाई और चढ़ाई, तो यहाँ चढ़ाई पर हमने ढ पर जोर दे के बोला पर बिंदी लगने पर उसका उच्चारण हो गया चढ़ाई। इसे हमने हल्के से बोला इसलिए उसका उच्चारण हो गया चढ़ाई, चढ़ाई, चढ़ाई। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। पेड़, गाड़ी, साड़ी, बर्ड, चढ़। घोड़ा, सड़क, कड़क, बढ़िया, बुढ़िया। लड़की।